Yes, students, in the last topic I have discussed with you that when industrialization came, at that time the effect on India, it was not so good, because with the coming of industrialization, East India Company put his control. Goods they wanted like tea, cotton, silk, these goods were purchased from India. And these were exported to European countries, because at that time their demand was in European countries. यानी कि तब उस time period में European countries में हमारे India की जो goods थी, cotton textile की demand बहुत ज्यादा थी. बच्चे फिर मैंने आपको एक statement note करवाई थी, Henry Petillo. अगर आपको statement याद होगी तो just raise your hand. What was that statement? हांजी, who said these words? मैंने स्टेटमेंट नोट करवाई थी. हांजी बच्चे, यस हांजी, मैंने आपको ये स्टेटमेंट नोट करवाई थी कि हेनरी पेटिलो ने ना इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल की बहुत प्रेज की थी, और उन्होंने कहा था कि इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल कभी भी वर्ल्ड में कहीं नहीं बन सकता, और इसकी क्वालिटी जो है वो इतनी फाइन है. फिर मैंने डाटा नोट करवाया 1811 टू 1812, 33% एक्सपोर्ट जो था हमारी कंट्री से जाता था, बट इट डिक्लाइन अप टू 1850 टू 1851 ओनली 3%. 3% डाटा जो है वो रह गया. रीजन क्या था इसका, मतलब क्या है कि अब हमारी कंट्री से कॉटन टेक्सटाइल जो है, ठीक है, वो कम होना शुरू हो गया. रीजन क्या, इसके पीछे क्या रीजन था, अब ब्रिटेन की अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और मिल जो थी वो एस्टेब्लिश हो रही थी, तो ब्रिटेन के जो मिल ऑनर्स थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपनी कंट्री की गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज के लिए प्रेशर डाला, प्रेशराइज किया कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को बंद कर दें, ताकि उनकी कंट्री में उनकी मिल्स जो हैं, उनकी मिल्स में जो टेक्सटाइल बनता है उसको बेचा जाए. और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर टैक्स लगा दिया, ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी. अब किसी कंट्री कि किसी भी पर्टिकुलर गुड के ऊपर अगर इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी जाएगी तो क्या होगा, उसका रेट फॉरेन कंट्री में क्या हो जाएगा, कॉस्ट. यानी कि अब फॉरेनर्स जो थे यानी कि ब्रिटिश मिल जो थे या इंडस्ट्रीज जो थी, उनको इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी वो उनकी अपनी फैक्ट्रीज में बन रहा था, और वो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को अपना कॉम्पिटिशन मानते थे. और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल को कॉस्टली कर दिया, और इस तरह से ब्रिटिश मिल्स का बना हुआ कपड़ा जो है वो इंग्लैंड में बिकने लग गया, और यूरोप के लोगों ने धीरे धीरे इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड करनी छोड़ी. इसीलिए कहते हैं लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट, और धीरे धीरे हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है कॉटन टेक्सटाइल जो है वो फॉरेन कंट्रीज में कम हो गया. एक तरफ कॉटन टेक्सटाइल जो है वो कम हो गया, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड बढ़ी रॉ कॉटन. रॉ कॉटन क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री की कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी. अब ब्रिटिशर्स को हमारा कॉटन टेक्सटाइल नहीं चाहिए था, बल्कि क्या चाहिए थी, ओनली रॉ कॉटन. और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रॉ कॉटन जो है उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया. अब हमारी कंट्री से टेक्सटाइल नहीं बल्कि रॉ कॉटन के शिप्स यानी कि शिपमेंट जाती थी फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन मार्केट्स में. वहां पर ब्रिटिश की जो मिल्स होती थी इंडस्ट्रीज, उनमें हमारे इंडिया का जो रॉ कॉटन है उससे थ्रेड बनाते थे, थ्रेड से कपड़ा, और वही कपड़ा हमारी कंट्री में वापिस आता था एट हाई रेट. अब आप ये सोचो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो साइकिल था, इस साइकिल के कारण हमारी कंट्री में जो लोग थे वो कितने अफेक्ट हुए. जिनका तो टेक्सटाइल का बिजनेस था वो क्या हो गया, बंद हो गया. और हमारी कंट्री में जो वीवर्स यानी कि जो उस टाइम पर में कपड़ा बनाते थे, उनको कॉटन नहीं मिलती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था, सारी की सारी रॉ कॉटन कहाँ पे पहुंचाना, ब्रिटेन. सो दिस वॉज द रीजन एट दैट टाइम इन इंडिया ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी पीपल सफर. अपने अपने ग्रुप्स में, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो है वो जरूर था जिसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन से लॉस भी हुई. ठीक है, तो हमने आगे कुछ पॉइंट्स नोट करो जो मैंने करवाया, क्योंकि वैसे आपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज या वन मार्क करने, लेकिन जब आप किस स्टोरी की तरह लर्न करोगे ना तो आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. नंबर वन, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंक्रीज. इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स. इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन टेक्सटाइल इंडिया, मैं स्पेशली यहाँ पे इंडिया के बारे में कह रही हूं,
इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंक्रीज, ये साइन है इंक्रीज का, इंक्रीज का साइन है, ये होता है डिक्रीज का, इंक्रीज। अब जब इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हुई तो इससे क्या हो गया, हमारा जो इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल था ये क्या हो गया, कॉस्टली। इन ब्रिटेन इट बिकेम कॉस्टली, इसका रेट बढ़ गया और फॉरेन में धीरे धीरे लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल खरीदना बंद कर दिया हमारी कंट्री को। दूसरी तरफ रॉ कॉटन की डिमांड फॉरेन कंट्रीज में क्या हो गई, इंक्रीज हुई, क्योंकि अब उनको हमारी टेक्सटाइल नहीं बल्कि हमारा रॉ कॉटन चाहिए था। एंड इसका आप डाटा नोट करो, आप रॉ कॉटन इसका डाटा नोट करो बेटा। अर्लियर इट वॉज 5% इन 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में था 5%, यानी कि हमारे इंडिया से सिर्फ 5% रॉ कॉटन जाता था यूरोपियन कंट्रीज इन 19th सेंचुरी। बट लेटर ऑन का मतलब होता है बाद के ईयर्स, यानी कि 1850 के बाद, लेटर ऑन इट इंक्रीज अप टू 35%। तो ये शो करता है कि हमारी कंट्री में रॉ कॉटन की सप्लाई फॉरेन कंट्रीज में हो रही थी। एंड इंडियन वीवर्स दे फेस शॉर्टेज ऑफ रॉ कॉटन, यानी कि जो हमारी अपनी कंट्री में जो लोग टेक्सटाइल बनाते थे अब उनको कॉटन की शॉर्टेज फील होना शुरू हो गई, क्योंकि उनके लिए मुश्किल था कॉटन को ढूंढना, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की जो थी कॉटन वो फॉरेन कंट्रीज में सप्लाई की जा रही थी। एंड ब्रिटिशर्स दे वर अर्निंग अ लॉट बाय दिस ट्रेड। ठीक है, इसके साथ आपने एक और पॉइंट ऐड करना है। नाउ अदर देन कॉटन मेनी मशीन मेड गुड्स आल्सो स्टार्टेड इन इंडिया, जिसको हम कहते हैं मैनचेस्टर गुड्स। मैनचेस्टर गुड्स कह लो, इसमें हर तरह की मशीन मेड गुड्स अदर देन कॉटन, यानी कि जिस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में कॉलोनियल या ब्रिटिश रूल था, मैनी मैनचेस्टर मतलब इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां की इंडस्ट्री में बनी हुई बहुत सी गुड्स हमारी कंट्री में आना शुरू हो गए। मैनचेस्टर गुड्स स्टार्टेड कमिंग इन इंडिया। रीजन, दीज वर वेरी चीप, ब्रिटिशर्स ने स्टार्टिंग में इनका रेट बहुत कम रखा ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। मशीन मेड गुड्स, द रेट ऑफ दीज गुड्स वॉज वेरी चीप, चीप क्वालिटी की थी। सेकेंड, इनकी डिमांड क्यों बढ़ रही थी, बिकॉज एट दैट टाइम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा था बाय द यूथ ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री में जो यूथ थे वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे और अपने मास्टर्स यानी कि ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए वो उन्हीं को इमिटेट करते थे, कॉपी करते थे और उनको ये शो करते थे कि हम भी आपकी तरह जो है वो गुड्स यूज कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर इंप्रेशन जो है वो बना सके। एंड दैट्स व्हाई डिमांड फॉर दीज मैनचेस्टर गुड्स इंक्रीज। ऑब्वियसली अब डिमांड बढ़ेगी तो धीरे धीरे ब्रिटेन से जितनी भी इंडस्ट्रीज में जो भी गुड्स बनती थी वो इंडिया में आना शुरू हुई। अब प्रॉब्लम क्या हुई, मशीन मेड गुड्स इंडिया में आई, उनका रेट क्या था, कम था। हमारी कंट्री की कॉटन टेक्सटाइल को लॉस हुआ और हमारी कंट्री अब क्या बन गया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और इंटरनेशनल मार्केट में कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की वो रेपुटेशन जो पहले थी वो डाउन हो गई। ठीक है, किसके आने से, मैनचेस्टर का मतलब होता है कि ब्रिटेन की मिल्स या ब्रिटेन की इंडस्ट्री में जो चीजें बनती थी उनके आने से इंडिया की पोजीशन जो है वो वीक हो गई। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक और डाटा लिखो। 1850 कॉटन पीस गुड्स, यानी कि जो कॉटन पीस, यानी कि चाहे आप कॉटन के रोल कह लो या थान कह लो या जो क्लोथ था, इट वॉज 31% इन 1850 कॉटन पीस गुड्स। इसका जो स्टार्टिंग की परसेंटेज थी वो थी 31%, लेकिन
विद इन अयर्स 1870 में कितनी इंक्रीज हो गई 50%। 1870 में कितनी हो गई 50%, जो ये शो करता है कि अब हमारी कंट्री में कॉटन टेक्सटाइल और कॉटन पीस गुड की डिमांड बढ़ी। पहले 31% थी, फिर कितनी हो गई 50%। एक और रीजन माना जाता है कि हमारी कंट्री क्यों रॉ कॉटन का सप्लायर जो है वो मार्केट बनी, ड्यू टू अमेरिकन सिविल वॉर। एक और रीजन है अमेरिकन सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है बेटा? जब एक ही कंट्री में अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट्स के बीच में आपने पढ़ा है ना, तो अमेरिका में जब बच्चा जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो उस टाइम पीरियड में ना अमेरिका जो था वो रॉ कॉटन सप्लाई करता था ब्रिटेन को। लेकिन जब किसी कंट्री में अपने ही सिविल वॉर हो जाती है, जब किसी कंट्री में अपनी ही जो है कम्युनिटीज आपस में लड़ती हैं, तो उस टाइम पीरियड में कंट्री के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड एट दैट टाइम रॉ कॉटन की जो शिपमेंट अमेरिका से ब्रिटेन जाती थी ना, वो रुक गई। अब ब्रिटेन को रॉ कॉटन चाहिए थी, अमेरिका से नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए ब्रिटेन जो था दैट टर्न टू इंडिया। ये भी एक रीजन है, अमेरिकन सिविल वॉर के कारण भी अमेरिका से कॉटन की सप्लाई जो थी वो ब्रिटेन को रुक गई और नाउ ब्रिटेन टर्न टू इंडिया फॉर गेटिंग रॉ कॉटन। तो बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से लॉस हुआ। अब ये लॉस कैसे हुआ? नंबर वन, कॉटन टेक्सटाइल डिमांड ऑफ कॉटन इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंक्रीज और डिक्रीज। डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। नंबर टू, सेकेंड, रॉ कॉटन की डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन थर्ड, विच कॉन्टिनेंट एंड विच कंट्री अर्लियर दे सप्लाइड कॉटन टू ब्रिटेन? अमेरिका। But due to American Civil War, the supplied was obstacled and that's why Britain turned to India. Next, why Indian weavers couldn't find raw cotton? Yes, because fine quality of raw cotton was supplied to European mills and industries. Which goods, from which country, many goods these came in India? Manchester. मेन मैनचेस्टर याद रखना है, मैनचेस्टर गुड्स इन इंडिया। ड्यू टू दिस हमारी कंट्री की मार्केट को बहुत लॉस हुआ, हमारे इंडियन ट्रेडर्स बिजनेसमैन को बहुत लॉस हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट बच्चे, अब आपने नेक्स्ट जो फेस है वो याद करते हैं। इसमें अभी तक तो मैंने आपको बच्चे ये बताया कि ब्रिटिशर्स दे वर अर्निंग अ ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग रॉ कॉटन टू ब्रिटिश मिल्स। अब आफ्टर सम ईयर्स, यानी कि अब थोड़ा सा और, क्योंकि हिस्ट्री में जब हम कंसेक्टिव टाइम पीरियड पढ़ते हैं ना, तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ 304 इयर्स। तो अब थोड़ा सा आगे का टाइम पीरियड, अब ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स को ये लगा कि जब यहाँ से रॉ कॉटन फॉरेन कंट्री में जाता है तो कई बार लॉस जो है वो बहुत फेस करना पड़ेंगे। किस किस तरह का लॉस होता था? जब हमारे इंडिया से रॉ कॉटन के शिप्स इंडिया से ब्रिटेन जाते थे, उस टाइम पीरियड में इट टुक टू मैनी मंथ्स, टू मैनी डेज, एंड रास्ते में कई बार क्या होता था, फॉरेन कंट्रीज अटैक भी कर देती थी और पूरा का पूरा शिप या तो अटैक कर लिया जाता था या डूब जाते थे, ठीक है। और अगर शिप डूब जाएगा तो अल्टीमेटली लॉस किसको होगा? सेकेंड थिंग, कॉटन टेक्सटाइल या मैनचेस्टर गुड्स जब यूरोप से इंडिया आती थी तो भी ऐसा ही होता था, कई बार क्या होता था अटैक हो जाता था, ठीक है, या कई बार जो शिप है वो डूब जाता था या वेदर कंडीशन के कारण लॉस हो जाता था। और कई बार कुछ ऐसा मटेरियल होता था जो मटेरियल वहां से पैक होता था लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस जो है वो फेस करना पड़ा। ऐसे में सजेशंस दिया गया, व्हाई नॉट टू ओपन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इंडिया में ही इंडस्ट्रीज ओपन की जाए, ठीक है, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, यहीं से रॉ कॉटन वहां पे सप्लाई किया जाए, यहीं पे टेक्सटाइल बनाया जाए और इंडिया की मार्केट में ही बेचा जाए, और ताकि इंडिया में जो भी लॉस हो रहा है उसको क्या किया जाए, रिकवर किया जाए। तो कहीं ना कहीं बच्चे ये ब्लेसिंग्स भी हैं और कर्स भी है। ब्लेसिंग्स कैसे है कि हमारी कंट्री में फॉरेन मिल्स आना शुरू हो, फॉरेन मिल्स आएंगी तो फायदा किसको होगा?
फायदा किस, दोनों को फायदा होगा, ब्रिटिशर्स को फायदा होगा, अब उनका टाइम बच गया, जो शिपमेंट्स के लिए टाइम होता था या जो रिस्क होता था वो खत्म हो गया, एंड हमारी कंट्री में वर्कर्स को क्या मिली, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मैनी वर्कर्स दे गॉट एम्प्लॉयमेंट, एंड व्हेन दे वर्क इन द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज दे लर्न मैनी न्यू टेक्निक्स. तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा हेडिंग जो है कमिंग ऑफ फैक्ट्री सिस्टम इन इंडिया. कमिंग ऑफ फैक्ट्री सिस्टम इन इंडिया, हमारी कंट्री में फैक्ट्री सिस्टम जो है उसकी स्टार्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं किनके द्वारा की गई है, ब्रिटिशर्स के द्वारा. इसमें हमने सबसे पहले कुछ मिल्स बतानी है कि हमारी कंट्री में बहुत सी मिल्स जो है वो ब्रिटिशर्स ने सेटअप की. ईयर आपने याद रखना है, एमसीक्यू बेस्ड, वन मार्क क्वेश्चन, ठीक है. तो इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करो बच्चे, आपको ईयर अच्छी तरह से याद होना चाहिए. यस, सबसे पहले फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे, फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट कॉटन मिल, यानी कि बॉम्बे पहली सिटी थी जहां पे ब्रिटिशर्स ने कॉटन मिल स्टार्ट की. ईयर 1854 फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेट अप इन बॉम्बे इन 1854. रीजन क्या था इन फैक्ट्रीज के इंडिया में खोलने का, बिकॉज ब्रिटिशर्स दे वर फेसिंग लॉस ड्यू टू अटैक ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड ड्यू टू सिंकिंग ऑफ शिप्स ऑन अ लार्ज स्केल. सो दिस वॉज अ रीजन वाई दे स्टार्टेड सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया. एंड ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहा. एंड लेटर यानी कि इसके बाद 1862 अनदर फोर मिल्स वर ओपन्ड इन बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे कैसा एरिया जहां पे कॉटन, आसपास के एरिया से ब्लैक सॉइल के कारण कॉटन की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है. 1862 अनदर फोर मिल्स वर एस्टेब्लिश, ये था बॉम्बे पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया एंड इट वॉज सक्सेसफुल. देन नेक्स्ट, फर्स्ट जूट मिल हमारी कंट्री में सबसे बढ़िया जूट जो है वो कहां पे होती है, कौन सी स्टेट सबसे फेमस है जूट के लिए, बंगाल. बंगाल का जूट वर्ल्ड फेमस है, गोल्डन फाइबर कहते हैं इसको, ठीक है. इन बंगाल इन 1855 देन नेक्स्ट एल्गिन मिल इन कानपुर, एल्गिन मिल इन कानपुर, कानपुर में भी एक जो है वो कॉटन मिल स्टार्ट की गई 1860. ये स्पेशली एल्गिन मिल ब्रिटिश ऑफिसर के नेम पे रखा गया इसको, एल्गिन मिल इन कानपुर 1860. नहीं, ये कॉटन एल्गिन मिल इन कानपुर नॉर्थ इंडिया 1860. देन अहमदाबाद फर्स्ट, सिर्फ अहमदाबाद में सबसे पहली मिल कब स्टार्ट की गई, फर्स्ट मिल कॉटन मिल, याद लिखोगे यहाँ पे कॉटन मिल इन अहमदाबाद आफ्टर वन ईयर, मीन्स यहाँ पे 1860 है तो 1861 अब याद करो इसको. हमारी कंट्री में सबसे पहली ब्रिटिश कॉटन मिल कहां पे स्टार्ट हुई, बॉम्बे, ईयर 1854. सबसे पहली ब्रिटिश जूट मिल कहां पे स्टार्ट हुई, बंगाल 1855. कानपुर की मिल सबसे पहले कौन से ईयर में स्टार्ट हुई, 1860. ये हमारे मेन ना कॉटन इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, कौन कौन से, बॉम्बे, कानपुर, अहमदाबाद, ठीक है. अहमदाबाद में सबसे पहली मिल कब स्टार्ट हुई, 1861. इसके बाद मद्रास, ये तो था सारा ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया, फिर सदर्न इंडिया को कवर किया गया मद्रास. नेक्स्ट है मद्रास,
फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, जहां पे थ्रेड को स्पिन भी करते थे, कपड़ा भी बनाते थे, वीव भी करते थे. फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल 1874, फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल मद्रास में ओपन की, ये भी ब्रिटिशर्स की थी 1874. ठीक है, अब आपने इनके इयर्स अच्छी तरह से लर्न करने हैं, वन मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यूज, क्वेश्चंस कैन कम. ठीक है, अब इसके बाद ये तो थी फैक्ट्रीज. अब फैक्ट्रीज तो थी लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन करता था? क्या सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो ब्रिटिशर्स करते थे? नो. अच्छा ये याद रखो, इन्वेस्टमेंट ना तीन तरह की होती है. वन इज गवर्नमेंट, जिसमें सारी मनी जो है वो कौन लगाती है? गवर्नमेंट. ठीक है, दूसरी होती है प्राइवेट, जिसमें सारी मनी जो है वो क्या होती है? प्राइवेट पीपल लगाते हैं, सपोज हमारी पर्सनल है. ठीक है, थर्ड होती है ज्वाइंट स्टॉक. ज्वाइंट स्टॉक का मतलब होता है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट. शेयर, शेयर का मतलब होता है 50% शेयर गवर्नमेंट, 50% प्राइवेट. अब ब्रिटिशर्स बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता था कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत रिच हैं, इनकी मनी को कैसे चैनलाइज किया था. सो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन इंडस्ट्रीज या इसके अलावा और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिन इंडस्ट्रीज में इंडियन बिजनेसमैन उनकी मनी को इन्वेस्ट की. एंड विद दिस हम ये कह सकते हैं कि दीज वर दोज पर्सन हु बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, दे अर्नड अ लॉट. अब आज के टाइम पीरियड में आपने बहुत से ऐसे फैमिलीज के नाम सुने, बिरलास, सुने ना बिरलास, उनके पास इतनी मनी कैसे आई? ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनका ट्रेड जो था इंडिया से चाइना या यूरोपियन कंट्रीज में होता था, एंड दे वर द वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट. और ऐसे नहीं हम कहते हैं कि इनकी जो जनरेशन है, इवन टाटा, टाटा इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्री के फाउंडर कौन थे? जे एंड टाटा, जमशेद जी नुसरत मंजी टाटा, जिन्होंने 1912 में ना जमशेदपुर में टाटा एंड आयरन स्टील वर्क्स सेटअप किया विद द कोलैबोरेशन ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि ज्वाइंट स्टॉक. ज्वाइंट स्टॉक का मतलब होता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होती है. क्लियर? एंड अब हमने उनके नेम याद रखने हैं. हु वर द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है बिजनेसमैन, जिन्होंने इन इंडस्ट्रीज में मनी इन्वेस्ट की और ब्रिटिशर्स के साथ कोलैबोरेशन. जस्ट आपने इनके नेम याद रखने और एक प्रॉपर जो है वो नोट करो, एक तरफ नेम और एक तरफ उनका ट्रेड, कि कौन सी ट्रेड से उन्होंने बहुत ज्यादा मनी अर्न की. बहुत सिंपल है, जस्ट राइट डाउन हु वर अर्ली एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, हु वर द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स. अब आपने इनके नेम याद रखे, नंबर वन, अभी तो मैंने आपको बताया जैसे जे एन टाटा और क्या बताया, बिरलास, इनके अलावा भी नंबर वन द्वारका नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर. जब बच्चे इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करते थे ना, तो हम लिखते थे राइट अ नोट ऑन अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, तो इनके बारे में डिटेल में हम बच्चों को बताते थे. बट नाउ यू हैव टू रिमेम्बर फॉर वन मार्क और एमसीक्यूज, तो आपको इनका नेम और इनकी जस्ट एक अचीवमेंट जो है वो लिखनी है साथ में. नंबर वन, द्वारका नाथ टैगोर, ही एस्टैब्लिश सिक्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, सिक्स, आप खुद सोचो वो कितने रिच होंगे, सिक्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज विद द पार्टनरशिप ऑफ ब्रिटिशर्स. कौन से ईयर? 1830 टू 1840, नियर अबाउट 1830 टू 1840, ही एस्टैब्लिश सिक्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज. ही अर्नड अ ह्यूज फ्रॉम चाइना ओपियम ट्रेड. अब आपको पता है ओपियम क्या था? ओपियम एक प्लांट था जिसको ड्रग्स या मेडिसिंस के लिए यूज किया जाता था. इंडिया में ये इलीगल था,
लेकिन इंडिया से इसकी सप्लाई कहाँ की जाती थी? चाइना है। चाइना में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी क्योंकि इंडिया का एनवायरमेंट इसको कल्टीवेट करने के लिए बहुत गुड है, तो इंडिया से इसकी कल्टीवेशन होती थी। सप्लाई कहाँ पे होती थी? चाइना। और चाइना में ऑपियम की ट्रेड का रेट बहुत ज्यादा था, सो दैट्स व्हाई मेनी पीपल दे अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग ऑपियम इन द चाइनीज मार्केट। रीजन क्या? एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स वर देयर, दे अलाउड, वो खुद ही अलाउ करेंगे। इलीगल मतलब इंडियंस के लिए नहीं था, ट्रेडिंग के लिए था, बिकॉज इंडियंस ब्रिटिशर्स दे वर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट। हम कहते हैं लिकर दैट इज इंजरस, लिखा भी होता है दैट इज इंजरस, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरस, बट स्टिल गवर्नमेंट क्या करती है उसको बेचती है। क्यों बेचती है? बिकॉज दे आर अर्निंग प्रॉफिट। सो एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स दे अर्निंग प्रॉफिट, सो मैनी पीपल दे अर्नड अ ह्यूज फ्रॉम चाइनीज ओपियम ट्रेड। तो ये द्वारका नाटक और के बारे में याद रखो। सेकंड केशव रेखी, हाँ जी, दिनशा पैटी, टी साइलेंट कर दो, दिनशा पैटी, ये कौन थे? पारसी, PETIT, दिनशा पैटी, ये पारसी थे। आपको पता सबसे पहली कम्युनिटी जो वेस्टर्नाइज हुई कौन सी थी? पारसी कम्युनिटी। बच्चे नाइन्थ क्लास में ना एक आपकी बुक में टॉपिक होता था स्टोरी ऑफ क्रिकेट, तो वो तो डिलीट हो गया, लेकिन जब हम उस चैप्टर को पढ़ते थे ना उसमें था क्रिकेट हमारी कंट्री में किसने स्टार्ट किया? पारसी कम्युनिटी। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, तो जब भी फ्री टाइम या लेयर एक्टिविटीज होती थी तो एक तरफ ब्रिटिश क्लब होता था और एक तरफ पारसी जिमखाना। जिमखाना क्लब की शुरुआत जो है उस टाइम से हुई, एंड एट दैट टाइम मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिटीज दे प्लेड। पारसी कम्युनिटी अलग थी, उनकी टीम अलग थी, और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने पता क्या किया हमारी कंट्री में ना, स्पोर्ट को भी ना, स्पोर्ट्स को भी रिलीजन के बेस के ऊपर डिवाइड कर दी, मुस्लिम टीम अलग बना दी, और इस तरह से हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नहीं बल्कि रिलीजन के साथ जोड़ दिया। तो पारसी टीम अलग थी और ये सबसे पहली कम्युनिटी थी जिन्होंने जो वेस्टर्नाइज। तो दिनशा पैटी, ही वॉज अ वेरी फेमस एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन, बॉम्बे से थे ये। He also invested in British mills. कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, जस्ट आपने इनका नेम याद रखना है, कम्युनिटी याद रखो पारसी। Who was the first Parsi to invest in British mill? Dinsha Petty from Bombay. Then third, Seth Hukumchand. ये तो नाम सब बच्चों ने सुना होगा, स्कूल का नाम है। Seth Hukumchand. मारवाड़ी थे ये, मारवाड़ी बिजनेसमैन। इन्होंने जूट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, और आपको पता है इन्होंने फर्स्ट इंडियन जूट मिल, ब्रिटिशर्स नहीं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे देखा जाए फर्स्ट जूट मिल बंगाल में बनी थी 1855, लेकिन अगर यहाँ पे इंडियन वर्ड ऐड हो जाए ना तो फिर आपने इनका ही नाम लिखना है। हु सेट अप फर्स्ट इंडियन जूट मिल? सेठ हुकमचंद, कैलकटा 1917, इंडियन जूट मिल, यानी कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किनकी थी? सेठ हुकमचंद, मारवाड़ी बिजनेसमैन। ही अर्न्ड अ लॉट फ्रॉम जूट एंड दिस जूट वॉज सप्लाई टू अदर कंट्रीज। मारवाड़ी ये भी कम्युनिटी है, जैसे बनिया, मारवाड़ी राजस्थानी नेम नहीं सुना, जैसे बीकानेरी मारवाड़ी है ना, ऐसे नाम मारवाड़ी बिजनेस। हाँ जी, सेम है वो, इसलिए क्योंकि इनकी फैमिलीज आफ्टर फैमिलीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जैसे बिरलाज हैं, टाटाज हैं, नाम अपने नाम के साथ वही लगाते हैं। क्लियर? एनी डाउट बेटा?